बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, इंशाल्लाह मैं आज आप दोस्तों के साथ एक लिस्ट कमांड शेयर कर रहा हूं, जिसकी मदद से आप लोग किसी पॉइंट का डेटा मालूम कर सकते हैं या किसी पॉइंट का लेबल आप लोग अपने ऑटोकैड में लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट का डेटा लगाया हुआ है, मैंने यहाँ पे पॉइंट नाम दिया हुआ है स्ट्रीट 21, उसकी ईस्टिंग नार्थिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गई है, और इसके अलावा अगर आप लोग इसका एलिवेशन वगैरह देना चाहें तो भी यहाँ पे शो होगा। डियर फ्रेंड, इससे पहले भी हम लोग एक लिप्स कमांड यूज़ कर चुके हैं, जिसकी वीडियो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर चुका हूँ एक्स वाई के नाम से। लेकिन इस कमांड में और उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि वो हमें सिर्फ ईस्टिंग और नार्थिंग का डेटा देता था, बाकी वो किसी किस्म का टाइटल या डिस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा था। तो इस कमांड की मदद से हम लोग अपने जो पॉइंट है उसका मुकम्मल डेटा ले सकते हैं या शो करा सकते हैं अपने ऑटोकैड की ड्राइंग में। तो लोड करने के लिए आपने सिंपली एपी एंटर करना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप एपी एंटर करें। एपी एंटर करने के बाद जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हुई हो आपने उस जगह को सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ी है, डेस्कटॉप पे मैं आ गया हूँ और यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ एक्स जेड के नाम से ये फाइल है, यहाँ से मैंने कर दिया लोड। लोड करने के बाद देखिए ये कह रहे एक्स जेड कोऑर्डिनेट विद डिस्क्रिप्शन लिस्ट सक्सेसफुली लोडेड। इसके बाद आपने यहाँ से क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद हमारी जो फाइल है, जो लिप्स कमांड है, वो ऑटोकैड में लोड हो गई है। अभी कमांड को रन करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए आपने अपने कमांड लाइन में एंटर करना है एक्स जेड, एक्स और जेड आप एंटर करें। एंटर करने के बाद ये देखे कह रहे क्लिक द पॉइंट, जिस पॉइंट का आपको डेटा चाहिए आपने उस पॉइंट पे क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पॉइंट का कुछ डेटा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए अपने किसी पॉइंट का डेटा चाहिए, तो मैंने क्या करना है, मैंने उस पॉइंट पे क्लिक करना है। चलिए इस लोड देते हैं या इसका देते हैं, ये कलवर्ट है मेरे पास एक छोटी सी, मैंने हो रही तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद ये कह रहे क्लिक फॉर प्लेस आर राइटिंग, तो जो जहाँ पे आपने आपको डेटा चाहिए आपने उस जगह पे क्लिक करना है। मुझे यहाँ पे बाहर चाहिए तो मैं यहाँ बाहर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद ये कह रहे हैं कि चेनेज, चेनेज पे आप अपना चेनेज दे सकते हैं। अगर आप रोड के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप अपने पॉइंट का नंबर दे सकते हैं, आप अपने पॉइंट का टाइटल दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं देता हूं कलवर्ट, मैंने कलवर्ट दिया यहाँ पे और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ये कह रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉइंट, आप डिस्क्रिप्शन दे, डिस्क्रिप्शन इसको मैं देता हूं फॉर एग्जाम्पल कलवर्ट, पाइप कलवर्ट मैं देता हूँ, पाइप पी आई पी, सिर्फ पाइप मैंने दिया और मैंने एंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा डेटा है वो आ गया है, कलवर्ट इसका मैंने टाइटल दिया था, इसकी ईस्टिंग नार्थिंग आ गई है और डिस्क्रिप्शन मैंने इसका पाइप दिया था। हम कोई और पॉइंट लगा लेते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट का जो मेरे पास मैंने होल है इसको हम रन करते हैं। इसके लिए मैंने क्या करना है, दोबारा एक्स जेड एंटर पॉइंट पे क्लिक कर लेता हूँ, ये मेरा पॉइंट है, ये मैंने प्लेस कर दिया यहाँ पे, इस जगह पे मुझे डेटा चाहिए। चेंज इसको मैं देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 01, एंटर कर दिया और डिस्क्रिप्शन में इसको मैं देता हूँ मैन होल MH डे 01 और मैंने एंटर कर दिया। तो देखिए मैंने पॉइंट नंबर दिया था, इसके अलावा इसकी ईस्टिंग नार्थिंग आएगी और MH01 इसका मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था, तो ये आपके साथ में यहाँ पे शो हो गया है। कोई और पॉइंट यहाँ पे हम लगा लेते हैं, फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे हम लगा लेते हैं XZ मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पे मैं इस जगह पे क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक फॉर प्लेस, तो यहाँ मुझे चाहिए इसका भी मैं देता हूँ स्ट्रीट, मैंने इसका नाम दिया है स्ट्रीट नंबर 19। इसके बाद मैंने एंटर कर दिया, एंटर करने के बाद डिस्क्रिप्शन में इसको मैं देता हूँ FRL, यानी कोई एलिवेशन देता हूँ मैं यहाँ पे 300 और मैं एंटर कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास इसका स्ट्रीट 19 इसका टाइटल आ गया है, इस पॉइंट के मेरे पास ईस्टिंग नार्थिंग आ गई है और मैंने यहाँ पे एलिवेशन दी है FRL 300, तो ये मेरे पास शो हो गया। अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आप क्या करें, इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से Ctrl+1 करें तो हमारे पास प्रॉपर्टी पैनल ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप लोग इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि एक्स जेड कमांड की मदद से हम लोग अपने पॉइंट का डेटा कैसे मालूम कर सकते हैं। ये कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने लिंक पे क्लिक करना है तो आप लोग इस तरह के पेज पे आ जाएंगे। देखिए सिविल सर्वेयर 9.blogspot के का लिंक की आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्स जेड ऑटो लिस्ट कमांड के नाम से एक जो ऊपर वाला लिंक है वो मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप लोग इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद यहाँ नीचे आपको दो बटन मिलेंगे,
बटन वन और बटन टू, आप लोग बटन वन से भी डाउनलोड कर सकते हैं और बटन टू से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बटन वन पे क्लिक करने के बाद आपको ये लिंक मिल जाएगा, आप लोग इस डाउनलोड पे क्लिक करें और इसको यहाँ से अपने साथ डाउनलोड करें, और बटन टू पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।